बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं अफजाल अहमद और आप देख रहे हैं फॉरेक्स गोल्ड सिग्नल न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर गोल्ड की प्रेडिक्शन करते हैं। हमने जो कल गोल्ड की प्रेडिक्शन की थी उसी तरीके से तकरीबन गोल्ड मूव हुआ, लेकिन चूंकि कल काफ़ी डाटास थे उस वजह से गोल्ड में काफ़ी मूवमेंट रही, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। उम्मीद है आप सेफ होकर ट्रेड करते रहे होंगे। आए गोल्ड के प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल गोल्ड ने क्या किया। गोल्ड ने कल 1727 से ओपन हुआ, उसके बाद 1722 का उसने लो लगाया और 1764 का हाई लगाया। कल जॉबलेस क्लेम्स ज़्यादा होने की वजह से डॉलर में वीकनेस आई और गोल्ड ने पॉजिटिव ट्रेंड अपनाया। और उसके बाद जब फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच आई तो उसने कहा कि कोरोना की वजह से अभी मज़ीद हम जॉब देने की पोजीशंस में नहीं हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड को मज़ीद तकवियत मिली और गोल्ड ने ऊपर अपना हाई 1764 जाकर लगा दिया। अब आज की बात करें तो गोल्ड ने आज का जो ओपनिंग थी वो 1755 के करीब हुई, उसके बाद उसने 1757 का हाई लगाया और नीचे 1750 का लो लगाकर इस टाइम तकरीबन 1753 पे चल रहा है। आपकी वीडियो देखने तक और या में भी ये 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर गोल्ड की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो आज की जो रेजिस्टेंस बनती है वो 1768 बनती है और जो नीचे उसकी सपोर्ट है वो 1738 बनती है। गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर गोल्ड 1738 से नीचे गया और वहाँ पे कोई 15-20 मिनट स्टे किया तो फिर ये नेगेटिव जोन में आ जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट टाइम और डाटा की बात की जाए तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये इस टाइम में गोल्ड में काफ़ी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि गोल्ड के काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं और वो इस पे गोल्ड पे काफ़ी असर अंदाज भी होंगे। मैं आपको मज़ीद डिटेल में जाने से पहले ये एक बात क्लियर कर दूं, आप अगर डाटाज को देखते हैं तो आज के जितने भी डाटाज हैं अगर उनकी रेंज में कमी होती है तो यह डॉलर के लिए बुरा है और गोल्ड के लिए अच्छा है, और अगर उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, उसमें वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ये डॉलर के लिए अच्छा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि जो चीज़ डॉलर के हक में अच्छी होती है वो गोल्ड के हक में बुरी होती है, जो गोल्ड के हक में बुरी होती है वो डॉलर के हक में अच्छी होती है। आज के जितने भी डाटाज हैं वो सब के सब अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो गोल्ड नीचे जाएगा, अगर वो डिक्रीज़ होंगे तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला आप समझ लें। उसके अलावा आज पॉजिटिव ट्रेंड है ट्रेड से थोड़ा सा, आज चूँकि आखिरी दिन है मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़े से ट्रेड में एहतियात करें और हमें लाइक और शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब भी करते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी इसका सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।